अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह हम सब की परेशानियाँ गम तकालीफ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ वो कुंडों में अक्सर घरों में बनाई जाती है। मैं आपको आज बनाना सिखा रही हूँ नहायत ही आसान तरीके से मीठी टिकिया बनाना। तो आए देखते हैं रेसिपी कार्ड। तीन कप मैदा, आधी प्याली सूजी, एक कप दूध, आधी ही प्याली घी, डेढ़ कप चीनी, बेकिंग पाउडर एक टेबलस्पून, इलायची एक टीस्पून, 50-50 ग्राम पिसा हुआ नारियल और तिल, नीम गरम दूध के अंदर चीनी जो है हमने 1.5 कप ली है वो इसमें डालकर इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसी में हल हो जाए चीनी। और ये बेकिंग पाउडर भी मैं इसी में डाल रही हूँ, घी भी मैंने इसी में ऐड किया है। तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें और इसी से आटा गूंधा जाएगा। यह है इस बिल्कुल आसान तरीका, वरना तो अलग से भी डाल के गूंध सकते हैं मगर उससे ज़्यादा टिकिया जो है हार्ड हो जाती हैं। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बड़ी सॉफ्ट रहेंगी टिकिया आपकी। ये जो बैटर मैंने बनाया दूध चीनी घी बेकिंग पाउडर तीनों चीज़ों का मिलाकर इसमें आधा डाल दें और आधा रोक लूँगी मैं इसको कि ज़्यादा हो जाएगा नहीं। अब इसमें मैं आटा डालकर गूंध रही हूँ। ये सूजी ऐड कर रही हूँ, ये 1 कप पूरी सूजी चली गई इसके अंदर, आधा कप, 3 कप मैदा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैदा और भी इसमें ऐड हो जाएगा। तमाम चीज़ों को एक साथ डालकर अब जो बैटर मैंने दूध का और घी का डाला था उससे मुझे गूंदना है इसको। ये तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ये आ गई डो हमारी शक्ल में। थोड़ा सा दूध में और ऐड कर रही हूँ और ये आटा हमारा देखें गूंद दिया हमने। तकरीबन इसको मैं आधा घंटे के लिए छोड़ूंगी। ये देखें इस तरह से इसकी टेक्सचर होगा डो का। अब इसको रेस्ट देने के लिए रखूंगी आधा घंटे, इसमें सूजी फूलेगी। और अब हमारा ये तैयार हो चुका है आटा। अब आते हैं इसकी टिकिया बनाने की बारी। किसी भी कटर से, गोल कटर से या कोई ग्लास से, किसी चीज़ से भी आप काट लें, इसको शेप दे दें। ये देखें अच्छा गूंधा हुआ आटा पूरा इसका। थोड़ा सा चेक करके देख लें आप पहले कि टूट तो नहीं रही टिकिया तल के। ये हो गई हमारे देखें। अब आती हैं इसके हम फ्राई की तरफ। ये डाल के हल्की आंच रखनी है हमने इसकी और इसको गोल्डन कलर देना है। जितनी हल्की आंच पे तलेंगे उतना ही इसका क्रिस्पी पना होगा इसके अंदर और बहुत अच्छा इसके अंदर सॉफ्टनेस आएगी। पलटे नहीं जब तक एक साइड नहीं हो जाए, जब तक पलटे नहीं दूसरी साइड पे करके। ये देखें हो गया हमारा, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया इसका। बस यही कलर हमें चाहिए, ज़्यादा कलर देने के चक्कर में हार्ड हो जाएंगी ये। ये हो गई हमारी तकरीबन सारी तैयार। ये देखें हमारी तैयार हो गई टिकिया। ये देखें कितनी अंदर से पूरी पक चुकी है और इतनी खस्ता है
ये आप एयर टाइट बॉक्स में भर के रख दें, काफ़ी दिन तक चलेगी। हमारे घर तो ये बच्चे चटपट कर जाते हैं फटाफट। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलिएगा।